दोस्तों, रजिस्ट्रेशन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक निर्धारित किया हुआ है वो राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का निर्धारित किया हुआ है। तो इस टॉपिक को प्रारंभ हम इस रूप में कर सकते हैं कि भारत में संघ की तरह से यानी कि केंद्र की तरह से राज्य में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो भागों में बंटी हुई होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। जहां पर नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, वहीं पर वास्तविक कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से राज्य में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग इनके माध्यम से किया जाता है। तो मुख्यमंत्री के संदर्भ में जो सामान्य प्रावधान है वो ये है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यानी कि जिस दल को विधानसभा के चुनाव के बाद विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह एक सामान्य व्यवस्था है, किंतु एक ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जब किसी एक दल को अस्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, तो उस स्थिति में किसे जो है नियुक्त किया जाए। क्योंकि जब अस्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वहां पर किसी एक व्यक्ति को नियुक्ति देने में या मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने में व्यवहारिक स्तर पर और संवैधानिक स्तर पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। राज्यपाल के द्वारा ऐसी स्थिति में यहाँ पर विवेक का प्रयोग किया जाता है और उस दल के नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है जिसे ऐसा प्रतीत होता है कि एक निश्चित समय में वो ग्राउंड टेस्ट में यानी कि विधानसभा में अपने बहुमत को सिद्ध कर पाते हैं। सामान्यतः इसके लिए एक माह का जो समय भी दिया जाता है, यद्यपि इसके लिए कोई संवैधानिक रूप से निश्चित समय का प्रावधान नहीं किया गया है। समय समय पर इस संदर्भ में ऐसी समस्याएं आती रही हैं जहां पर दो से अधिक राजनीतिक दल हावी होते हैं या वो सक्रिय होते हैं, तो वहां पर जनादेश स्पष्ट रूप से किसी एक पार्टी को नहीं मिलता है, तो वहां पर इस तरीके से त्रिसंघ विधानसभा की स्थिति होती है। जबकि वहां पे किसी एक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो उस स्थिति में यहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति में समस्या उत्पन्न होती है और राज्यपाल के द्वारा वहां पर अपने विवेक का प्रयोग किया जाता है। ये व्यवस्था थी मुख्यमंत्री के नियुक्ति के संदर्भ में। दूसरा है मुख्यमंत्री के जो कार्यों शक्तियां, कार्योम शक्तियां। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जहां पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है, वहीं पर मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अपने मंत्रिपरिषद की संरचना में किन मंत्रियों को शामिल करना है, उनके नियुक्ति के संदर्भ में मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को सलाह दिया जाता है। और दूसरी बात यह होती है, चूंकि यहाँ पर एक व्यवस्था जिस तरीके से केंद्र में है उसी तरीके से राज्यों में भी देखी जाती है, कि यहाँ पर उनके सलाह पर नियुक्ति की जाती है। सभी लोग अपने पदों गोपनीयता की शपथ लेते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं और उन्हें विधानमंडल के दोनों सदनों यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। और यदि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो उन्हें 6 माह के अंदर किसी न किसी जो सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, क्योंकि ये माना जाता है कि उन्हें विधानमंडल की जो है सदस्यता इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो इस शक्ति का व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए उनकी जवाबदेही कहीं ना कहीं जनता के प्रति होनी चाहिए। इसलिए वही व्यवस्था जो केंद्र में मुख्य प्रधानमंत्री सहित उनके मंत्रिपरिषद के संदर्भ में है, वहीं पर राज्यों में मुख्यमंत्री सहित राज्य के मंत्रिपरिषद के संदर्भ में होती है। तो ये मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और उनकी जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल के प्रति
प्रसाद पर्यंत पद की व्यवस्था और विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का बना होना होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के कार्यों शक्तियों के संदर्भ में। तो इनकी कार्यों शक्तियों को तीन भागों में देखा जा सकता है। एक जो है कार्यपालिका, यानी कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में स्वयं कार्यपालिका का तात्पर्य मंत्रिपरिषद भी होता है। दूसरा विधानमंडल सभा या विधानमंडल में जो है देखने को प्राप्त होता है, और तीसरा एक अन्य भी है। तो कार्यपालिका के संदर्भ में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में इनके द्वारा सलाह दिया जाता है राज्यपाल को। मुख्यमंत्री के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को सलाह दिया जाता है, और राज्यपाल की सलाह के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। दूसरा, उनमें विभागों का बंटवारा भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तीसरा, उनकी बैठकों का जो आयोजन है या बैठकों की जो अध्यक्षता है वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। उसमें समन्वय नियंत्रण इत्यादि जो भी है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, और कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जबकि किसी भी मंत्री को बर्खास्त करना हो या उसके पद से हटाना हो, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार राज्यपाल उसको बर्खास्त कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था जो है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में या कार्यपालिका के संदर्भ में मुख्यमंत्री की होती है। दूसरा, विधानसभा के संदर्भ में ये बातें हैं कि जो भी विधेयक बनाए जा रहे हैं, जो भी विधेयक बनाया जा रहा है, उस विधेयक का जो प्रस्ताव सरकार के निर्देशन में जो बनाया जाता है और उसे सरकार जो है सदन में प्रस्तुत करती है, चूंकि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में उस विधेयक के पास होने की पूरी संभावना वहां पे होती है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उस राजनीतिक दल का नेता होता है जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, इसलिए वो विधानसभा में नेता जो है विधानसभा का नेता भी माना जाता है, और विधानसभा की बैठकों में भी वो भाग लेता है एक विधानसभा के सदस्य के रूप में या विधानसभा के नेता के रूप में। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं जबकि वो विधानसभा का सदस्य ना होकर के विधान परिषद के सदस्य हों, तो ऐसी स्थिति में विधानमंडल को जब संबोधित किया जाता है तो वहां पे भाग लेंगे वो, परंतु वोट जो है वो विधानसभा में ना देकर के वो विधान परिषद में ही देते हैं, क्योंकि वोट वहीं पर दिया जा सकता है जहां पर वो उसके सदस्य हों। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा के संदर्भ में, चूंकि विधानसभा का जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है वो विधि का निर्माण है, और विधि के निर्माण के संदर्भ में जो आवश्यक कानून होते हैं, जो जरूरतें होती हैं परिस्थितियों के अनुसार, उसका प्रस्ताव तैयार किया जाता है और सदन में प्रस्तुत करवाया जाता है। ये मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के निर्देशन में किया जाता है। तो विधानसभा के संदर्भ में भी मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक ये भी भूमिका है कि वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं, और इसी के अंतर्गत इसमें राज्यपाल के दायित्वों का भी निर्धारण किया गया है। मुख्यमंत्री के दायित्वों का भी निर्धारण राज्यपाल के संदर्भ में किया गया है कि आर्टिकल 167 के अंतर्गत राज्य में प्रशासन और विधान के संदर्भ में जो निर्णय लिए जाएंगे उससे समय समय पर राज्यपाल को अवगत कराया जाता रहेगा, या विधान और प्रशासन के संदर्भ में राज्यपाल के द्वारा कोई सूचना मांगी जाती है तो वो मुख्यमंत्री के द्वारा उसे प्रेषित किया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि कोई भी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो यदि राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि उस पर समस्त मंत्रिपरिषद का निर्णय होना चाहिए तो वो ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं, और उसके संदर्भ में मुख्यमंत्री इस तरीके के आशय को स्पष्ट करवाने का प्रयास करते हैं। तो ये कड़ी के रूप में काम करते हैं। अन्य कार्यों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अंतरराज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। राज्य योजना बोर्ड के लिए अध्यक्षता भी इनके द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से क्षेत्रीय परिषद जो होती है उसी क्रमवार जो है क्रम से उसकी उपाध्यक्षता भी मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से कार्यों शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका के संदर्भ में और विधानसभा में विधि बनाने के संदर्भ में कड़ी के रूप में दोनों के बीच और अन्य कार्यों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेम ये व्यवस्था
राष्ट्रपति के संदर्भ में भी है, जब हम केंद्र में बात करते हैं केंद्र के संदर्भ में भी है, केंद्र में जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो भी इसी तरीके का है। तो हम अगर एक के जो है संदर्भ में कार्य और शक्तियों का प्रारूप तैयार करते हैं, एक उसका फॉर्मेट तैयार करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह कार्य वहां पे किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद की सदस्यता की जाती है और राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो वहां पर वो अध्यक्षता का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कार्य आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री के कार्यों से क्या इस तरीके की होती हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद जो टॉपिक है, तो मुख्यमंत्री के संदर्भ में हम लोगों ने एक सामान्य रूप से परिचय देखा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति देखा, कार्य और शक्तियां, तो ये तीन बातें हैं। और इसी तरीके से जो है हम मंत्रिपरिषद को भी देखने का प्रयास करते हैं। से यहां पर भी जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 163 में कहा गया है, आर्टिकल 163 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होगी जिसका प्रधान और या मुखिया जो है वो मुख्यमंत्री होता है। और आर्टिकल 154 में भी ये बातें कही गई हैं, आर्टिकल 154 में भी बातें कही गई हैं कि ऐसे संवैधानिक व्यवस्थाएं जहां पर राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार काम करेगा उन बातों को छोड़ करके, ये चीजें 163 के अंतर्गत हो गई। राज्य कार्यपालिका की शक्तियां जो है वो राज्यपाल में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पर अधीनस्थ अधिकारी का तात्पर्य मंत्रिपरिषद और नौकरशाही को सम्मिलित रूप से है, जिनके द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरीके से 154 और 163 इन दोनों ही अनुच्छेदों के माध्यम से ये बातें स्पष्ट होती हैं। 153 में वहां पे पद की व्यवस्था की गई है और 154 में कार्यपालिका शक्तियों की बात कही गई, और 163 में कहा गया है कि जहां पर विवेक के द्वारा प्रयोग में विवेक का प्रयोग करते हुए कार्य करना, उनको छोड़ करके अन्य सभी विषयों के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा या जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अब ये संरचना के संदर्भ में हम देख लेते हैं, संरचना के संदर्भ में ये बातें हैं कि राज्य की जो है विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उस पर इसका आकार निर्भर करता है। और 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो विधान परिषद की समस्त संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो इस तरीके की व्यवस्था इसके संरचना के संदर्भ में है मंत्रिपरिषद के। और मंत्रिपरिषद में कई स्तर के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, कैबिनेट मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं और मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं, राज्य मंत्री जो कि कैबिनेट के जो सदस्य नहीं है उनकी बैठकों में भाग नहीं लेते हैं वो राज्य मंत्री के रूप में होते हैं। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं उनको एक विभाग का स्वतंत्र चार्ज दिया जाता है, परंतु वो यहाँ पे नहीं होते हैं, कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, इसलिए यहाँ पे इनकी बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, केवल कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेते, बाकी इनके पास जिम्मेदारी और कार्य और अधिकार सेम उसी तरीके से होता है जैसे कैबिनेट मंत्री के पास होता है, इसलिए इनको स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। इसका इनके पास स्वतंत्र मंत्रालय होता है, विभाग होता है, लेकिन वो कैबिनेट के सदस्य ना होकर के कैबिनेट या मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से मंत्रिपरिषद की जो संरचना और उसमें शामिल मंत्रियों के प्रकार को यहां पर स्पष्ट किया जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद की अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से केंद्र की जो है मंत्रिपरिषद संघीय मंत्रिपरिषद कार्य करती है, उसी तरीके से राज्यों में भी मंत्रिपरिषद के द्वारा भूमिका का निर्वहन किया जाता है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में जिस तरीके से केंद्र की व्यवस्थाएं हैं उसी तरीके से राज्य में भी व्यवस्थाएं हैं, राज्य में भी जो है नीति योजना का निर्माण और प्रशासन क्रियान्वयन
किया जाता है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो नीति का निर्माण इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, यानी कि पॉलिसी मेकिंग। नीति का तात्पर्य यह है कि किसी भी विषय पर सरकार की क्या रुझान है, सरकार किस तरीके से उनके कार्यों का निस्तारण और निष्पादन करना चाहती है। जैसे किसानों की जो उपज है उसको खरीदने की क्या पॉलिसी है, समय समय पर उसमें बदलाव होता है। गन्ना किसानों के भुगतान कहीं पर 80% का भुगतान हो रहा है, 20% बाद में हो रहा है, कहीं पर उनके जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं, लाभप्रद मूल्य जो दिए जाते हैं उनको, उसको कितना बढ़ाया जाना है, ये सब पॉलिसी के अंतर्गत आता है। और सरकार ये जो है जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसका निर्धारण करती है। तो ये नीति निर्माण इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और जो है विधि प्रस्ताव, विधि का प्रपोजल तैयार करना, उसको सदन में प्रस्तुत करना और उसको पास करवाना भी इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जरूरतों के अनुसार समय समय पर विधि की भी जरूरत होती है। एक तो नीति होता है, एक दूसरा जो है विधि होता है, कानून बनाया जाता है और वो कानून जो है विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। तो इसे बनाने का काम जो है वो मंत्रिमंडल के स्तर पर किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और चूंकि विधानमंडल में उसको बहुमत प्राप्त होता है इसलिए उसके पास होने की संभावना भी यहाँ पे प्रबल होती है। बजट, बजट एक ऐसा विषय है क्योंकि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, सरकार की नीतियां बनाई जा रही हैं, उसके क्रियान्वयन के लिए बजट की जरूरत होती है, जो कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्यपाल के द्वारा रखा तो जाता है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा रखने के पूर्व में इसे बनाने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है, वित्त विभाग के द्वारा किया जाता है। और वित्त विभाग सभी विभागों और कार्यालयों से उसके संदर्भ में अनुदान की मांगें और प्रस्ताव को प्राप्त करने के बाद इसे बनाने का कार्य करता है। अगला जो है वो नियुक्तियां होती हैं। राज्यपाल के द्वारा जो है जिन भी नियुक्तियों को संवैधानिक रूप में किया जाता है, उसके जो सुझाव हैं वो कैबिनेट के स्तर से उसे जाते हैं और देन राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्तियां की जाती हैं। तो इसलिए नियुक्तियों के संदर्भ में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अधिकारियों की उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार ऐसे कार्य दिए जाने चाहिए जो राज्य में उस प्रकार की समस्याओं को निस्तारित करने के लिए उसमें क्षमता उनके पास होना चाहिए। ये सारी बातें उसके स्तर पे होती हैं। अगली बात यह है कि राज्य में जो प्रशासन, प्रशासन के संचालन, प्रशासन में समन्वय, प्रशासन के नियंत्रण इत्यादि के लिए जो है सरकार जिम्मेदार होती है। जैसे कहा जाता है सरकार, तो सरकार का तात्पर्य यहाँ पर मंत्रिमंडल से होता है। तो कुल मिलाकर के इस टॉपिक में हम लोगों ने मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली की राज्य स्तर पर वास्तविक शक्तियों के प्रयोग और क्रियान्वयन को जो है देखने का प्रयास किया, और यह कहीं ना कहीं केंद्र की संघीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के समान ही प्रतीत होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि संसदीय शासन प्रणाली की राज्य पर इस प्रकार की व्यवस्था आप लोगों को स्पष्ट हुई होगी। पुनः अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।